चलो नागपुर कर आज के इस नए व्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सेमिनार हिल्स के और पेंशन नगर के जो मोस्ट वायरल जो माता रानी की मूर्तियाँ है वो कवर करने वाले। तो अभी हम आ चुके हैं पेंशन नगर में और आप हमारे पीछे में देख सकते हो यहाँ पर आपको माता रानी की सुंदर और मनमोहक माता रानी की मूर्ति जो है देखने को मिलने वाली है। तो भैया प्लीज़ यहाँ पर आइए। तो यहाँ पर जो है सारे मतलब कि मंडल के सारे सदस्य हमारे साथ हैं और भैया भी हमारे साथ हैं। तो भैया आपका नाम? विवेक सिंह ठाकुर। तो भैया हमारे साथ है और भैया अपने मंडल का नाम क्या है? सार्वजनिक नवदुर्गा स्व समिति। सार्वजनिक नवदुर्गा स्व समिति। अच्छा ओके। और भैया मैं देख रहा हूँ कि हर साल जो हम यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए और माता रानी की जो मूर्ति है काफ़ी ज़्यादा मनमोहक होती है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है, तो ऐसा जो माइंड में आता कैसे और ये इस साल की जो थीम है वो किस पर है? एक्चुअली हम लोग ने कुछ और देखे थे, मतलब सारा बहुत कम टाइम था हमारे पास, तो हम लोग ऐसे प्लान कर रहे थे सारी चीज़, मतलब मंडल के लोग मिलके, तो हम लोग एक दिन देख रहे थे तो कुछ यूनिक सोच रहे थे। हाँ। तो और अपने जो रिचुअल्स है और अपने अपने जो सारी चीज़ें हैं, मतलब जो अपने हिंदुत्व के हिसाब से धर्म को, मतलब ऐसे अदरवाइज कुछ ऐसे नॉर्मली लोग ऐसे खेल गम्मत बना के रखे, तो हमको वो भी चीज़ साथ में लेते हुए चलना था कि किसी के इसको ठेस ना पहुँचे। तो हमने ये सारी चीज़ें प्लान करे, छोटी छोटी चीज़ें, तो फिर हम लोग ऐसे देख रहे थे तो हमको ये एक अवतार के बारे में पता चला कि मतलब ये वराह अवतार है, नारायण भगवान ने ये अवतार लिए थे। अच्छा। ये मतलब पृथ्वी और माता रानी दोनों एक साथ संकट में थे। अच्छा। तो उनने ये मतलब उन्हें को एक ही साथ में उनने दोनों को बचाए थे, तो ये मतलब वराह अवतार था। तो हमने प्लान करे कि इसको कैसे, मतलब प्लान करेंगे कि कैसे रखेंगे छोटी छोटी चीज़ें। तो हमारे मंडल के जितने सारे लोग हैं, हाँ। सबने बैठ के छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करे, फिर प्लान करके हाथ में पृथ्वी देंगे एंड उसके ऊपर माता रानी को विराजमान करेंगे। तो हमने ऐसे छोटा छोटा वर्क करके ऐसे सारी चीज़ें करे, तो ये हमारी एक कोशिश थी कुछ, मतलब छोटा सा, मतलब लोगों के पास हमारे, मतलब जो अपने धर्म से रिलेटेड जो सारी चीज़ें, अब लोगों ने कैसा सोशल मीडिया का जमाना है, सिर्फ स्टोरी रख रहे, बाकी धर्म के बारे में कुछ पता है नहीं। बट हम लोग की थोड़ी सी स्टडी थी ये सारी चीज़ें पे, तो आज तक जितने भी अवतार हुए, तो हमने हमारे पूरे मंडप, मतलब मंडप के अंदर वो सारे स्टार्ट टू वन टू एंड तक पूरे जितने भी हमने सारे वन बाय वन रखे, और हम लोग ने मतलब इसके बारे में काफ़ी सारा मतलब सोच समझ के एक एक चीज़ें रखे, और अभी तक जो मतलब जितने भी अवतार आए उसमें से एक अवतार ये है। अच्छा। इसलिए हमने ये अवतार को सिलेक्ट करे और ये थोड़ा यूनिक भी था और ये आज तक कभी बना नहीं है। और अच्छा। बना भी है तो मतलब इस लेवल पे नहीं बना है, वो लाइक छोटा सा, या मुझे तो आइडिया नहीं है बना है, बट हम लोग ने वही सोच के कि ये थोड़ा यूनिक भी है, इसलिए हमने ये अवतार को बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप सभी लोग, आपके सदस्य के सभी लोग। और भैया ये जो आपकी मूर्ति है काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है हर साल, तो कैसा लग रहा है? हमको तो अच्छा ही लग रहा है, हमारी अकेली की मेहनत नहीं, हमारे सब मंडल के लोग हैं, सारे लोग हैं, हमारे बड़े लोग भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हम ये जब मूर्ति भी सिलेक्ट कर रहे थे तो हमको एक डाउट था कि इस पे क्वेश्चन ना उड़ जाए, तो हम हमारे जितने बड़े लोग हैं सबसे पूछ के ये चीज़ करें, क्योंकि हमारा सिर्फ मेन कंसेप्ट यही नहीं है कि सिर्फ वायरल हो, हमको ये चीज़ भी रखना है कि गलत वायरल ना हो, कि हर चीज़, अभी जैसे ये मूर्ति है अब कुछ लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है मैसेज, बट कुछ लोग जैसे आपके अभी हम बता रहे हैं, तो इसके थ्रू हर किसी के पास ये मैसेज रहेंगे कि ये मूर्ति कैसे बैठी और ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, बराबर है। क्योंकि सब लोग मतलब जैसे माता रानी की मूर्ति हर पंडल में बैठती है, तो हर चीज़ मतलब साथ में अटैचमेंट रहते हैं चीज़ें, तो हर कोई कुछ ना कुछ मतलब अटैच करते, तो हम लोग ने ये बार थोड़ा सा सोचते हुए ये रखे कि जितना माता रानी का जितना ये है उतना ही वरा देवता का भी उतना ही वो है, वो भी एक मतलब भगवान है, उनका भी एक रूप है, नारायण भगवान का रूप है वो, तो हमने ये सारी चीज़ें देख के ये करे, तो अब हमारी तो कोशिश थी ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो। क्या बात है, बढ़िया है। अब बाकी तो माता रानी की इच्छा है, वो कितने जरूर। थैंक यू सो मच सारी जानकारी देने के लिए। और भैया अपना एड्रेस बता दीजिए ताकि जो ऑडियंस जो भी हमारे वीडियो देख रही है वो यहाँ पर आ सके और माता रानी की जो है दर्शन कर सके। पुलिस लाइन टाकली, पेंशन नगर, संतोषी माता मंदिर के सामने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। पेंशन नगर की एक माता रानी की मूर्ति कवर करने के बाद अभी हम आ चुके हैं पेंशन नगर में, और एक जगह जो है माता रानी की मूर्ति जो है बैठी हुई है जो कि बहुत मोस्ट वायरल है।
हम आ चुके हैं पेंशन नगर की और एक माता रानी के आपको दर्शन कराने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो गरबा वगैरह गरबा का जो है कार्यक्रम है, तो आइए चलते हैं अभी आपको माता रानी के जो है दर्शन कराते दोस्तों। फाइनली हम पहुंच चुके हैं नागपुर की मोस्ट फाइनल तीसरी माता रानी की जो वारा मूर्ति है वहां पर, जो कि सेमिनरी हिल्स की, देख सकते हैं कितना भव्य डेकोरेशन जो है यहां पर किया गया है। लाइटिंग आप देख सकते हो यहां पर, आपको लाइन से सीरीज भी देखने को मिलेगी कलर कलर की, जो कि काफ़ी अच्छी जो है लाइटिंग यहाँ पर करी गई है, येल्लो और पिंक कलर की लाइट में काफ़ी अच्छी लाइटिंग करी गई है, काफ़ी भव्य डेकोरेशन है भाई, बहुत ज़ोरदार। इतना सुंदर डेकोरेशन दिखाने के बाद अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको बोट नज़र आएगा, तो यहाँ पर है सेमिनरी हिल्स की महारानी नव शक्ति दुर्गा उत्सव मंडल, है ना, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एड्रेस दिख जाएगा, सेमिनरी हिल्स सुरेंद्रगढ़ नागपुर। तो आइए चलते हैं अंदर में और आपको माता रानी के जो है दर्शन कराते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो कितना सुंदर और भव्य जो है पंडाल जो है यहाँ पर बनाया गया है, नवरात्रि पंडाल जो है यहाँ पर बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और बड़ा भी है। तो आइए चलते हैं अभी अंदर, आप देख सकते हो गेट पर आपको लाइटिंग देखने को मिलेंगे, झूमर।